हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म सिंघम के सीक्वल सिंघम 3 से जुड़ी एक अपडेट के बारे में बताने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन और रोहित शेट्टी आने वाले समय में सिंघम 3 लेकर आ रहे हैं, जिसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसे जानने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, फिल्म मेकर रोहित शेट्टी की आखिरी रिलीज फिल्म सर्कस बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। हालांकि अब उनकी अगली फिल्म सिंघम 3 के लिए फैंस के बीच काफ़ी एक्साइटमेंट है और फिल्म की रिलीज को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सिंघम 3 में इस बार अजय देवगन के साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। वहीं अगर दीपिका पादुकोण के बारे में बात की जाए तो दीपिका पादुकोण अजय देवगन के साथ काम करने के लिए बेहद एक्साइटेड है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सिंघम 3 की शूटिंग शुरू हो जाए। वहीं हम आपको बताते चले तो सोशल मीडिया के जरिए मेकर्स ने अजय देवगन और दीपिका पादुकोण की फिल्म सिंघम 3 की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी है। फिलहाल तो ये फिल्म आपको 2024 के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देखने को मिल जाएगी। फिल्म में एक बार फिर अजय देवगन बाजीराव सिंघम के दमदार किरदार में नजर आएंगे। सिंघम के दोनों पार्ट्स को फैंस ने काफी पसंद किया और अजय के एक्शन अंदाज पर प्यार लुटा। ऐसे में अब तीसरी पार्ट को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। वहीं अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि फैंस तीसरे पार्ट को कितना प्यार देते हैं। हालांकि सिंघम 3 इस बार फैंस के लिए पहले से भी ज्यादा खास होने वाली है। फिल्म में इस बार दीपिका पादुकोण की एंट्री हुई है, इस बात की जानकारी खुद रोहित शेट्टी ने दी थी। फिल्म सर्कस के एक इवेंट में रोहित शेट्टी ने ऐलान किया था कि सिंघम 3 में दीपिका पादुकोण नजर आएंगे। जानकारी के लिए हम आपको बता दें तो दीपिका पादुकोण भी पुलिस की वर्दी में नजर आएंगे। ऐसे में उनका एक्शन अंदाज देखने को मिल सकता है। वही हम आपको बताते चले तो अजय देवगन और रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम के अभी तक दो पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं। फिल्म का पहला पार्ट साल 2011 में रिलीज हुआ था और एक्शन अवतार में अजय को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। वहीं फिल्म का दूसरा पार्ट स्वतंत्रता दिवस पर ही साल 2014 में रिलीज हुआ था। हालांकि अब फिल्म का तीसरा पार्ट भी 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर ही रिलीज होगा। फिल्म के पहले पार्ट में काजल अग्रवाल, दूसरे पार्ट में करीना कपूर खान और तीसरे पार्ट में दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। वहीं अगर बात फैंस की करें तो जब से सिंघम 3 की अनाउंसमेंट हुई है तब से फैंस इस फिल्म को देखने के लिए बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। वहीं फिल्म को लेकर आए दिन कोई ना कोई अपडेट सामने आती रहती है, जिसे जानने के बाद फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वहीं फैंस ये जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं कि सिंघम 3 में और कौन कौन से एक्टर नजर आ सकते हैं, मतलब अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, इनमें से कोई एक्टर नजर आएंगे तो हम आपको बता दें। मेकर्स की तरफ से अभी इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं गया है, लेकिन हाँ, उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले समय में इस फिल्म में ये सारे एक्टर्स एक साथ नजर आ सकते हैं। वहीं अगर ऐसा होता है तो फैंस की खुशी दोगुनी हो जाएगी। फिलहाल तो सिंघम 3 फिल्म को लेकर मेकर्स की तरफ से और कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। जैसे इस फिल्म से जुड़ी कोई भी खबरें आएंगी मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, सिंघम 3 के बारे में आपकी क्या राय है और इस फिल्म को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।